पिपराइज महोत्सव में प्रोग्राम लगवाते हुए। सामान पूरा आ चुका है और हमारे सभी भाई लोग ट्रस्ट कस रहे हैं, और यहाँ हमेशा की तरह आज भी रोहित ट्रस्ट कसते हुए देखिए। 40 फुट सिंगल ट्रस्ट कस लगाना है यहाँ पे। ये रहा स्टेज हमारा, और यहाँ बहुत ही अच्छा महोत्सव होने वाला है, कल से प्रोग्राम चालू है। और यहाँ देखिए मेला लगा हुआ है, आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ का हिस्सा बनिए। पूरा परिसर है यहाँ पे, आगे का वीडियो दिखाते हैं आपको। कार्य करते करते शाम हो गया है, प्रोग्राम कल स्टार्ट होगा। देखिए ट्रस्ट फाइनल हो चुका है, बस कुछ बचा हुआ है थोड़ा मोड़ा, अभी रात में पूरा काम फाइनल हो जाएगा। और यहाँ पे जो महोत्सव में पूरा मेला वगैरह लगा हुआ है, झाली वगैरह से थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग, यहाँ पे सिस्टम पूरा लग रहा है। फाइनली ट्रस्ट खड़ा हो गया है मेरा, माइक टेस्टिंग हो रहा है, यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, सारथी लग रहा है। अभी कुछ टाइम में आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाते हैं सारथी का। ये हमारे भाई, ये हैं करण जी पार लाइट लगा रहे हैं, और रोहित सारथी। देखिए लग रहा है रात हो चुकी है, रात के 8 बज रहे हैं, प्रोग्राम हम लोग रेडी कर रहे हैं। सारथी का सेटिंग सब रेडी है, आप देख सकते हैं। और अभी हम ट्रस्ट को ऊपर ले जाएंगे, फिर दिखाते हैं पूरा पार लाइट को ऑन करके। रात के बज चुके हैं 1:30 दोस्तों, देखिए लग चुका है पार लाइट पूरा फाइनल हो गया, सारथी स्टार्ट होने वाली है, प्रोसेसिंग हो रहा है, कल से प्रोग्राम चालू है, एक दिन एडवांस में लग रहा है। यहाँ पे ठंड है, देखिए दोस्तों प्रोग्रामिंग चालू है सारथी का। रात के बज रहे हैं 1:30 और सारथी का सेटिंग चाल अच्छा हो गया है पूरा, बस सुबह पूरा ऑल मेंटेनेंस हो गया, प्रोग्राम चालू हो जाएगा, आप देख सकते हैं। जनरेटर का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, 7 KV का जनरेटर है, उसको लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। दिल्ली पिपराइज महोत्सव में प्रोग्राम लग चुका है, अभी आपको दिखाते हैं साउंड सिस्टम में। ये रहा यहाँ का मेला वाला सब डेकोरेशन।